फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। 5G अपडेट की भी बात कर लेंगे। फर्स्ट, यहाँ पे यदि हम आज का प्राइस देखें तो आज के दिन लगातार दो अपर सर्किट के, दो नहीं बल्कि यहाँ पे तीन अपर सर्किट बोलेंगे, लगातार तीन अपर सर्किट के साथ आज के दिन यहाँ पे बंद होने को दिखा है 1.30 रुपये के साथ। एंड आज के दिन भी सुबह से ही यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया था, लेकिन यहाँ पे आप फॉरम सेंटीमीटर पे अभी भी एक स्थिति चेक करें तो यहाँ पे 71% लोग अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी की सलाह दे रहे हैं, बल्कि जो यहाँ पे 16% लोग हैं वो होल्डिंग की बोल रहे हैं, 13% लोग हैं वो यहाँ पे अभी सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे क्या इन्वेस्टरों के द्वारा क्वेरी आ रही है। एक इन्वेस्टर है वो यहाँ पे लगातार बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू दिस स्टॉक सडनली आफ्टर 7 days अपर सर्किट अगेन गोइंग डाउन, गॉड्स नो व्हेन वी विल गेट अवर मनी। ये यहाँ पे बोल रहे हैं लगातार 7 दिन से अपर सर्किट में रहने के बाद आखिर इसमें क्या हुआ कि इसमें लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। 5G एक्शन की भी डील की एक यहाँ पे बात बता रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं कैबिनेट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया, वेरी सून डोंट सेल सिंगल शेयर, यहाँ पे एक भी शेयर बेचने की यहाँ पे बिल्कुल मनाही कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी कोई भी शेयर मत बेचिएगा। 5G ऑक्शन डील यहाँ पे जल्दी से जल्दी आने वाली है। कैबिनेट ने भी यहाँ पे कुछ क्लियरेंस दिया है, क्या क्लियरेंस दिया है वो अभी आपको आने वाली न्यूज़ में, लेटेस्ट न्यूज़ में पता चल ही जाएगा। साथ साथ एक और इन्वेस्टर वो यहाँ पे बता रहे हैं, ऑपरेटर्स आर बिग फ्रॉड ऑफ द काउंटर टू डू नॉट ट्रेड अ सिंगल शेयर। कुछ लोग यहाँ पे बचने की चेतावनी दे रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे एक भी शेयर ना बेचने की चेतावनी तो दे ही रहे हैं। उसके साथ यदि आप आज का प्राइस चेक करें तो 1.30 रुपये के साथ जो प्राइस है वो उतनी मजबूती में नहीं रहा है, क्योंकि 50 days DMA हो चाहे 200 days DMA हो, दोनों से प्राइस अभी फिर से एक और बार यहाँ पे नीचे चला गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि येलो लाइन भी ऊपर है पर्पल लाइन से, एंड जो ब्लैक लाइन है वो दोनों लाइनें अभी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे जो येलो लाइन है वो यहाँ पे आपको बता रही है 50 days DMA एंड 200 days DMA वो यहाँ पे बता रही है ब्लैक लाइन। तो दोनों का नीचे होना कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में गिरावट एंड लॉन्ग टर्म में गिरावट, दोनों गिरावटों की तरफ संकेत को यहाँ पे बढ़ावा देता है। उसके साथ यदि हम क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स की बात करें, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसकी सेल्स निकल के आई ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो 1463 करोड़ की रही, जबकि लास्ट ईयर मार्च 2021 में जो सेल्स थी वो 1410 करोड़ थी। तो सेल्स में इजाफा हुआ था लगभग 50 करोड़ का सेल्स में इजाफा हुआ था, मतलब सेल्स इसकी पॉजिटिव में बढ़ते हुए देखने को दिखी। उसके साथ इन्होंने खर्चे भी ज़्यादा कर डाले, जिस कारण से इनको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर की तुलना में कम ही रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर 427 करोड़ था, देन इस समय देखें तो 412 करोड़ पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आए। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को जो लॉस लास्ट ईयर था 1271 करोड़ का, उससे 200 करोड़ का ज़्यादा का लॉस देखने को मिला। इस समय 1475 करोड़ की कंपनी को लॉसेस हैं, जिस कारण से कंपनी का EPS भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बोलेंगे, लॉस पर शेयर 1.17 रुपये चल रहा है, पर शेयर में 1.17 रुपये का लॉस है। ASM में जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, शेयर यहाँ पे ASM से बाहर निकलते हुए देखा गया। उसी के साथ यदि आप BSE के काउंटर पर प्राइस चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि यहाँ पर 5% के अराउंड का लोअर सर्किट लग रहा है, जबकि NSE पे 3% के अराउंड का, जिसके साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा तेजी से गिरावट है। 1.26 रुपये का क्रूसियल प्राइस यहाँ पे एक अच्छा प्राइस साबित हो सकता है, 1.25 रुपये आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो नीचे आएगा ही आएगा, जबकि BSE पे 1.26 रुपये पहुँच ही गया। आगे इसमें कैसी रणनीति बनाए, एंड 5G ऑक्शन डील की जो यहाँ पे न्यूज़ थी वो लगभग यहाँ पे 15 अगस्त को यहाँ पे डेटेस आ रही है कि 15 अगस्त को हो सकता है लाल किले में जो भाषण होना है उनके साथ साथ वहीं से कुछ 5G ऑक्शन डील के लिए वहाँ पे अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है। ऐसी मार्केट में कुछ न्यूज़ आ रही हैं। साथ साथ यदि आप 1 month का एवरेज देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर शेयर का वॉल्यूम रहता था, 1 month के एवरेज में 7 करोड़ का वॉल्यूम सामने निकल के आया था, वो यहाँ पर 1 week के एवरेज में देखें तो 6 करोड़ का देखने को मिला। देन अभी यदि आप देखें तो वॉल्यूम बहुत तेजी से गिरा है, जबकि डिलीवरी परसेंटेज वाइज बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। वॉल्यूम में गिरावट कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत देते ही देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मतलब 3 से 4 दिन पहले 18 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम आते हुए देखने को मिले हैं, जबकि यदि आप अभी देखें तो 18 करोड़ से ओनली 2 करोड़, मतलब यहां पे बहुत बड़े वॉल्यूम की गिरावट समझ में आ रही है। कई सारे इन्वेस्टर इस शेयर से दूर होते हुए अभी देखे जा रहे हैं। उसके साथ यदि BSE के काउंटर पर चेक करें तो 90% से ऊपर की डिलीवरी BSE के काउंटर पर, उसी के साथ NSE के काउंटर की देखें तो 100% डिलीवरी, बहुत बड़ी डिलीवरी NSE के काउंटर पर आज के दिन समझ में आती है, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ तो इंडिकेट करती ही करती है। साथ साथ सुबह से ही लोअर सर्किट लग जाना कहीं
ना कहीं गिरावट का भी यहाँ पे संकेत बना के दे रही है। उसके साथ यदि आप एएमओ सेक्शन में एक स्थिति चेक करें, जबकि यहाँ पे एएमओ सेक्शन में अभी 4 से 5 दिन पहले बाइंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती थी, मतलब बाइंग प्रेशर शेयर में अब जबरदस्त रहता था, लेकिन यदि आप अभी देखें तो ट्रेंड एकदम चेंज होने को दिखा है। इस समय सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 88 लाख से ज़्यादा का सेलिंग प्रेशर आज के दिन देखने को मिलता है। 1.30 रुपये पर 88 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी सेलिंग के लिए सेलिंग प्रेशर बनाए हुए, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे या कल के दिन सेलिंग प्रेशर बना के जरूर देगी। बकाया आपको वीडियो कैसी लगी हो, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, पसंद आए चैनल फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बकाया आपकी जो भी लेटेस्ट क्वायरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड आपको यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद 2.40 रुपये से टूटता हुआ काफ़ी एक अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप होल्ड तो कर ही सकते हैं। शायद जो लोग यहाँ पर बाई करना चाहें वो अभी अपर सर्किट या लोअर सर्किट में बाई बिल्कुल मत कीजिएगा, लोअर सर्किट है और भी चल सकता है, एक दो और भी लग सकते हैं, तो लोअर सर्किट में बिल्कुल भी बाई करने की यहां से एडवाइस नहीं दी जा सकती है। बकाया आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर कर लें एंड अपने फाइनेंशियल फ्रेंड से भी डिस्कशन कर सकते हैं। बकाया वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।